भोपाल एम्स के डॉक्टर आज से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर हैं, जहां मरीजों के लिए सिर्फ इमरजेंसी सुविधा ही चालू रहेगी। वो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स का विरोध शुरू हो गया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भोपाल एम्स में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर रहेंगे, जहाँ सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं चालू हैं। कोलकाता के अस्पताल में जूनियर डॉक्टर का शव मिला था, जिसकी रेप करने के बाद आरोपी संजय ने बेहरे में से हत्या कर दी थी। आरोपी पर सख्त कार्रवाई के साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर सभी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के डॉक्टर इस मसले पर हड़ताल पर हैं। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के अगेंस्ट में जो उनके साथ जो हुआ है, उनके साथ दुष्कर्म होकर उनकी हत्या कर दी गई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसके उसके उनके लिए सही जस्टिस हो, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। इसके लिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें हमारी इमरजेंसी सुविधाएं सब चालू हैं, बस हमारी ओपीडी और जो रेगुलर सेवाएं हैं हमने वो स्थगित कर दी गई हैं थोड़े समय के लिए, जब तक उस महिला के खिलाफ सब न्याय जो है न्याय नहीं प्रदान किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि उनके साथ हुए गए अन्याय के साथ, अन्याय के अगेंस्ट हम खड़े हैं, और हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी रहे, उस सीबीआई इंक्वायरी में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और उस महिला डॉक्टर के साथ जो भी हुआ है उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।